टी20 वर्ल्ड कप में मिली हार के बाद बीसीसीआई में हाहाकार मचा हुआ है। बीसीसीआई ने सिलेक्टर्स को बर्खास्त कर दिया। मुंबई से 12,429 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान की युवा टीम पुरानी हार को भुलाकर नई शुरुआत करना चाहती है, लेकिन मौसम ने हार्दिक पंड्या का साथ नहीं दिया और वेलिंगटन में होने वाला पहला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। अब हार्दिक के यंगिस्तान की नजरें कल यानी रविवार को होने वाले मुकाबले पर है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला माउंट मुंगालोई के बे ओवल मैदान में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मुकाबला दोपहर के 12 बजे शुरू होगा। संडे के दिन इस मुकाबले के लिए सभी टिकटें बिक चुकी हैं, यानी मुकाबला हाउसफुल होगा। हार्दिक पंड्या टी20 में टीम इंडिया के भविष्य के कप्तान हो सकते हैं, ऐसे में उनके लिए ये दौरा बहुत अहम है। इस सीरीज में ये पता चलेगा कि पंड्या की कप्तानी में खिलाड़ी कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रेशर को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। हालांकि पहले टी20 की तरह दूसरे टी20 मैच में भी बारिश का साया है। रविवार को माउंट मुंगानुई में आंधी तूफान का अनुमान है। बारिश की वजह से मैच छोटा हो सकता है। मैच के रद्द होने की भी संभावना बनी हुई है। खैर, मैच हो पाता है या नहीं ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन दोनों ही टीमें इस मुकाबले के लिए तैयार है। माउंट मुंगानुई के मैदान बे ओवल की बात करें तो यहाँ की बाउंड्री काफी छोटी है और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को हर टी20 मुकाबले में जीत मिली है। टी20 इंटरनेशनल में पहली पारी का औसत स्कोर 199 रन का है, यानी इस मैदान पर टॉस जीतकर कोई भी कप्तान बल्लेबाजी ही चुनेगा। खैर, बारिश की वजह से माउंट मुंगानुई का मौसम ठंडा है। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कई नए चेहरे दिखेंगे। ऋषभ पंत के बैटिंग ऑर्डर पर सस्पेंस बना हुआ है, साथ ही अश्विन की गैर मौजूदगी में युजवेंद्र चहल प्लेइंग 11 में आ सकते हैं। न्यूजीलैंड खेमे की बात करें तो हर किसी की निगाहें कप्तान केन विलियमसन पर होगी। पिछले एक साल से टी20 क्रिकेट में विलियमसन का स्ट्राइक रेट बड़ा मुद्दा बना हुआ है। टी20 वर्ल्ड कप में भी विलियमसन ने धीमी बल्लेबाजी की थी, साथ ही हाल ही में IPL में भी उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने रिलीज कर दिया। ऐसे में केन विलियमसन बल्ले से खुद को साबित करना चाहेंगे। फैंस को भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार है। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में बाहर हुई दोनों टीमें नई शुरुआत करना चाहती हैं, लेकिन मौसम की मार दोनों ही टीमों को परेशान कर रही है। माउंट मुंगानुई में पिछली बार 2 साल पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबला रखा गया था, लेकिन उस मुकाबले में भी बारिश की मार पड़ी और वो मुकाबला रद्द करना पड़ा था। अब इंद्र देवता से सिर्फ यही प्रार्थना है कि कल मैच के वक्त माउंट मुंगानुई में ना बरसे और फैंस को मुकाबले का लुत्फ उठाने दें।